नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए नजर डालते हैं अब हेडलाइंस की ओर। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, सिंचाई के लिए 62 जिलों में लगेंगे 2100 नलकूप। असमिया चावल ने दुबई में बनाई अपनी जगह, विदेशों में पसंद किए जा रहे हैं पूर्वोत्तर के कृषि उत्पाद। नितिन गडकरी ने कहा कि देश को कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता लाने की जरूरत। 70 साल की पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी से आईसीयू में जबरन डांस कराया, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल। टिश्यू कल्चर से केले की खेती पर बिहार सरकार दे रही 62,500 रुपए। कृषि जागरण की टीम ने किया लंपी त्वचा रोग के विषय पर वेबिनार का आयोजन। आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं साप्ताहिक खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के 62 जिलों के भूगर्भ जल सुरक्षित ब्लॉक्स में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाने के निर्णय पर मुहर लगा दी है। इससे एक तरफ जहां कम बारिश के कारण किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इन नलकूपों के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। असम की मुख्य फसल धान है। यहाँ धान की कई किस्मों का उत्पादन होता है जो अपने स्वाद और सुगंध के कारण लोकप्रिय है। इन्हीं गुणों के वजह से देश के अंदर असमिया चावल की एक अलग पहचान है, जिसमें चावल की कुछ किस्मों को GI टैग भी मिला हुआ है। ऐसे में इन्हीं में से कुछ असमिया चावल दुबई में जगह बनाने में सफल रहे हैं, जिसके तहत एपेडा के सहयोग से बीते दिनों असमिया चावल की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। केंद्र सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि भारत में पहले से बिजली की कमी है, इसीलिए देश को कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता लाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि उद्योग भी बायोइथेनॉल द्वारा संचालित बिजली जनरेटर जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके इथेनॉल की मांग बढ़ाए। साथ ही गडकरी ने मुंबई में राष्ट्रीय सह उत्पादन पुरस्कार 2022 के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हर साल 15 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसीलिए ये वह समय है जब हम कृषि के जरिए ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता प्रदान कर सकते हैं। ओडिशा में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले डांस कराने के लिए मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि एक महिला कार्यकर्ता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वहीं कमला पुजारी का कहना है कि वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया। इस घटना के बाद परजा आदिवासी समुदाय ने कमला पुजारी के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर ना सिर्फ आपत्ति जताई है, बल्कि उन्हें डांस के लिए मजबूर करने वाली महिला कार्यकर्ता ममता बहरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बिहार में केले की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार ने केले की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये सब्सिडी उन किसानों को दी जाएगी जो टिश्यू कल्चर से केले की खेती करेंगे। बिहार सरकार के मुताबिक टिश्यू कल्चर से खेती करने के दौरान किसानों को 1 हेक्टेयर में 1,25,000 रुपए की लागत आती है। किसानों को इसका 50% यानी 62,500 रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। साथ ही इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। कृषि जागरण की टीम किसानों की बेहतरी के लिए कई कार्यक्रम और वेबिनार का आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में कृषि जागरण के मंच से लंबी त्वचा रोग के विषय पर कल यानी 3 सितंबर को 4 बजे एक वेबिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कल इस वेबिनार में हमारे साथ पशु चिकित्सा स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान विभाग कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एवं AH जबलपुर डॉक्टर भवाना शामिल रही, जिन्होंने इस वेबिनार से जुड़कर अपने विचार साझा किए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर है। द्वारका में एक आम सभा में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के किसानों से कई वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को एमएसपी की गारंटी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली जैसे फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। पहले 5 फसलों से इसे शुरू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसे अन्य फसलों तक बढ़ाया जाएगा। कर्ज माफी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि गुजरात में आपकी सरकार आने के बाद किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही फसल बर्बाद होने पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। शनिवार के दिन दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम का ये बदलाव आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली में पूरे दिन हल्के बादल छाए रहने की आशंका है और साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इन सबके बीच आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत के योजना आयोग द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र ACZ है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 20, नंबर 2 10, नंबर 3 15 और नंबर 4 30। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।